हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। माय नेम इज कीर्ति और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दाल मखनी और नान की रेसिपी। एंड आज ये जो नान की रेसिपी हम ट्राई कर रहे हैं, ये बिल्कुल एकदम इंस्टेंट तरीके से बनाएंगे, जिससे कि आप इसको कभी भी बनाकर खा सकते हैं। सो, फिर रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, और अगर आप लोगों को मेरी बनाई हुई दाल मखनी और नान की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं। दाल मखनी बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी साबुत उड़द काली दाल। इसी के साथ साथ हमें ले लेनी है एक कटोरी साबुत काली मसूर दाल। यहाँ पर जो ये दो दाल है, इनकी क्वांटिटी हमें एक एक कटोरी रखनी है और राजमे की क्वांटिटी रखनी है हमें आधा कटोरी। दूसरी तरफ अब ये जो दाल है और राजमा, हम दूसरे बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। एंड अगर आप लोग एक एक कटोरी दाल नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसमें आधा आधा कटोरी दाल ले लीजिएगा और एक से दो चम्मच राजमा ले लीजिएगा। जैसे ही हम इसमें राजमा और दाल को ऐड कर दें, तब आपको इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ पानी में वॉश कर लेना है, जिससे कि इसकी सारी धूल मिट्टी बाहर निकल जाए। अब इसका एक्स्ट्रा पानी हम बाहर निकाल देंगे और अब इसमें ऐड कर लेंगे बिल्कुल साफ पानी। दाल में आप पानी अच्छे से डालिएगा, जिससे कि दाल और राजमा अच्छे तरीके से फूल जाएं। और अब इसको हम ढक के रख देंगे कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए। मैंने यहाँ पर दाल और राजमा को ओवरनाइट सोक किया था, तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से दाल और राजमा अच्छे से फूल चुके हैं। यहाँ पर ये जो दाल का पानी है, आपको इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, आपको दाल को अच्छी तरीके से रब कर लेना है पानी में, फिर इसका एक्स्ट्रा पानी किसी बोल में ट्रांसफर कर देना है। ये जो दाल का पानी है, आप जब दाल को बॉईल करेंगे तब काम आएगा, तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया है दाल का। इसमें अब थोड़ा सा भी पानी नहीं बचा है दाल में, और जो हमारा एक्स्ट्रा पानी था दाल का, वो हमारा ये रहा। दाल वाला पानी भी हमें ज्यादा ऐड नहीं करना है, वरना दाल काली हो जाएगी। अगर आप लोगों को बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चाहिए तो आपको इसका पानी थोड़ा कम ही रखना है। अब दूसरी साइड हम ले लेंगे प्रेशर कुकर और उसमें सारी दाल ऐड कर लेंगे। जब आप लोग दाल को ऐड कर लेंगे प्रेशर कुकर में, तब इसमें बारी आती है पानी ऐड करने की। सबसे पहले हम यहाँ पर दाल वाला पानी ऐड कर लेंगे थोड़ा सा, और फिर उसके साथ साथ हम इसमें ऐड कर लेंगे साफ पानी। पानी ऐड करते ही हमें इसमें ऐड कर लेनी है 1/3 ऑफ बेकिंग सोडा एंड स्वाद अनुसार नमक। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक का यूज किया है। अब दाल में अच्छी तरीके से नमक और बेकिंग सोडा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका प्रेशर कुकर का ढकना लगा देंगे। यहाँ पर आपको कुकर में कम से कम 4 से 5 सीटी ले लेनी है, जिससे कि जो दाल और राजमा है अच्छी तरीके से गल जाए। फिर दूसरी साइड दाल मखनी की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिए थे 3 से 4 टमाटर, जिसकी मैंने अच्छी तरीके से प्योरी बना ली है, या आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी जो दाल है वो अच्छी तरीके से गल चुकी है। ये देखिए कितने अच्छे से दाल और राजमा गल गए हैं। अब यहाँ पर ये जो दाल का एक्स्ट्रा पानी है, मैं यहाँ पर इसको बाहर निकाल दूंगी। अगर आप लोगों को इसमें यही वाला पानी यूज करना है तो आप ये भी इसमें यूज कर सकते हैं। इधर हमारी दाल बनके तो रेडी हो चुकी है, अब हम नान के लिए आटा लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 कटोरी मैदा का यूज किया है, आप चाहें तो आप 2 कटोरी मैदा भी बनाकर देख सकते हैं पहले। बस मैदा के साथ साथ आप थोड़े से इंग्रेडिएंट भी कम कर दीजिएगा, तो आपकी नान भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनके तैयार होगी। सो, फिर मैदा को तो हमने ट्रांसफर कर लिया है, अब बारी आ जाती है इसमें इंग्रेडिएंट डालने की। सबसे पहले हम इसमें ऐड कर लेंगे स्वाद अनुसार नमक। मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच नमक का यूज किया है, ज्यादा नमक भी इसमें नहीं ऐड करना है। इसके साथ हम इसमें ऐड कर लेंगे 1/2 छोटा चम्मच चीनी, 1/3 ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर के साथ साथ आपको इसमें ऐड कर लेनी है 1/2 कटोरी दही, जिसकी क्वांटिटी इसमें 50 ग्राम होगी। फिर इसमें ऐड कर लेंगे 1 से 2 चम्मच घी, या आप इसमें ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। बस फिर अब यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स डल कर तैयार हो चुके हैं। अब आपको इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेना है। जब आप लोग मैदा को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे सारा सामान डालकर, फिर आप लोगों को इसमें ऐड कर लेना है पानी। और जो पानी आप लोग इसमें यूज करोगे वो बिल्कुल आपको सादा पानी यूज करना है, वार्म वाटर बिल्कुल भी यूज नहीं करना है इसमें, क्योंकि इधर हमने यहाँ पर बेकिंग पाउडर यूज करा है। अगर आप इसमें बेकिंग सोडा यूज करते हो तो आप इसमें गुनगुना पानी ऐड कर सकते हो। अब इधर हमारा नान का आटा गूंथकर तैयार हो चुका है। अब इसको हमें अच्छी तरीके से मसल लेना है, जिससे कि जो नान है वो अच्छे से खिंची खिंची बने। और दूसरी साइड हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल, जिससे कि जो नान का आटा है वो अच्छे से स्मूथ हो जाए।
आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर किस तरीके से नान का आटा तैयार कर रही हूँ। आप लोगों को भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है। तो यहाँ पर अब हमने गूंद लिया है नान का आटा बिल्कुल अच्छी तरीके से, और अब इस पे हम लगा देंगे 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल। जैसे ही आप लोग इस पे ऑयल लगाएं, तब आप इसको हाथों की हेल्प से इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर दीजिए, जिससे कि अच्छे से इसमें लग जाए। अब इसको हम गीले कपड़े से ढककर रख देंगे कम से कम आध घंटे के लिए। फिर दूसरी साइड अब हम दाल मखनी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में डाल देंगे हम ऑयल, और इसमें आप लोग कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। फिर इसमें ऐड कर लेंगे 2 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी और 1/2 चम्मच जीरा। जीरा ऐड करने के बाद इसमें हमें ऐड कर लेना है 1 से 2 चुटकी हींग। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वरना स्किप कर दीजिएगा। बस फिर जैसे जीरा ब्राउन हो जाता है, तब आपको इसमें ऐड कर लेनी है टमाटर की प्योरी। जैसे आप टमाटर की प्योरी इसमें ऐड करेंगे, आपको इसको बहुत ही अच्छी तरीके से चला लेना है, जिससे कि जो ऑयल है वो इसमें मिक्स हो जाए। यहाँ पर जो हमने टमाटर की प्योरी इसमें ऐड करी है, आपको इसको तेल में तब तक पकाना है जब तक ऑयल ऐसे आने स्टार्ट नहीं हो जाता है। यहाँ पर टमाटर की ग्रेवी पे ऑयल आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर हमारा ऑयल ऊपर तो आ चुका है, अब इसके साथ साथ इसमें ऐड कर लेंगे 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1/3 नमक। आपको इसमें ज्यादा नमक नहीं ऐड करना। हमने जब दाल को बॉईल किया था तो उसमें भी नमक हमने ऐड किया था, तो यहाँ पर आप लोग नमक कम ही ऐड कीजिएगा। अब इधर जो कश्मीरी लाल मिर्च है वो अच्छी तरीके से भुन गई है, अब इसमें हम ऐड कर लेंगे फ्रेश क्रीम। मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच फ्रेश क्रीम का यूज करा है, और फिर इसके साथ साथ हमने इसमें यूज किया है 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला। दाल मखनी के लिए आपको इसमें गरम मसाला जरूर ऐड करना है, क्योंकि इससे टेस्ट माइंड ब्लोइंग आता है। अब जब आप लोग इसमें मसाला डाल दें, फिर आप इसमें 1 चम्मच फ्रेश क्रीम और ऐड कर दीजिएगा। जैसे ही आप लोग इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर दें, उसी के साथ साथ आपको इसमें ऐड कर लेनी है दाल। अब दाल को हम बहुत ही बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे ग्रेवी में। एंड इससे पहले, अगर आप लोगों को मेरी बनाई हुई दाल मखनी और नान की रेसिपी पसंद आए, तो आप मेरी और भी रेसिपीज चेकआउट कर सकते हैं मेरे YouTube चैनल पर। वहां पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है, जहां पर आपको मेरी बनाई हुई सारी रेसिपीज देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आप लोगों को कोई भी रेसिपी चेकआउट करनी है, तो आप मेरे YouTube चैनल में जाकर देख सकते हैं। और आपको अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो पे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी लगी। अब यहाँ पर हम दाल मखनी की रेसिपी को कंटिन्यू रखते हैं, और यहाँ पर दाल अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है, सो इसमें ऐड कर लेंगे 1 बड़ा चम्मच बटर और 1 चम्मच फ्रेश क्रीम। एंड इधर जो मैंने इसमें दाल ऐड करी थी वो थोड़ी सी गाढ़ी थी, तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी गरम पानी ऐड कर लिया था। अगर आप लोग भी पानी ऐड कर रहे हैं, तो आप लोग भी गरम पानी ऐड कीजिएगा, इससे दाल का टेस्ट चेंज नहीं होता है। अब हम दाल को 5 से 10 मिनट के लिए मंदी गैस पे पकने देंगे, और दूसरी तरफ नान के लिए सामान ले लेंगे। मैंने यहाँ पर ले लिया है बटर, कलौंजी और धनिया। ये जो बटर है, ये आपको थोड़ा सा मेल्टेड बटर इसमें यूज करना है। और इधर नान का आटा अच्छी तरीके से फूल चुका है, सो अब सबसे पहले इसको बहुत ही अच्छी तरीके से हमें मसल मसल के इसका एक स्मूथ डो बना लेना है। यहाँ पर ये नान बनाने के लिए एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है, आपको इसको अच्छी तरीके से मसल मसल के इसको स्मूथ डो बना लेना है। अगर आप सभी लोग इसका अच्छी तरीके से डो नहीं बनाएंगे, तो जो नान है वो सॉफ्ट नहीं बन पाएंगी। तो आप लोगों को इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जो नान का हमारा डो होना चाहिए वो एकदम स्मूथ होना चाहिए, और इसमें कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए। और अगर आप लोगों के जो डो है उसमें अभी भी क्रैक आ रहा है, तो आपको और अच्छी तरीके से इसका डो बनाना है। जैसे यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप नान का आटा बनाएंगे, तो जो नान है आपकी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेंगी और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होंगी। तो फिर ये आप लोगों पर ये है कि आप किस तरीके से नान का आटा तैयार कर रहे हैं। बस फिर यहाँ पर जो हमारा नान का आटा है वो अच्छी तरीके से गूंद कर तैयार हो गया है, और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। अब इसमें से हम थोड़ा सा आटा निकाल लेंगे और उसकी नान की लोई बना लेंगे। एंड जिस तरीके से यहाँ पर मैं आपको नान की लोई सिखा रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आपको नान बनानी है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल जैसे मैंने आटे से लोई निकाली है, इसी तरीके से आपको नान की लोई निकाल लेनी है। अब ऐसे ही हम सारी लोई तैयार कर लेंगे, और ये देखिए हमारी सारी लोई बनकर तैयार हो चुकी है। लोई के साथ ध्यान रखिएगा, नीचे आप ऑयल जरूर लगा दीजिएगा। अब हम नान बनाना तैयार करते हैं। सबसे पहले जो लोई है उसको हम थोड़ा सा बेल लेंगे, फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा सामान ऐड कर लेंगे। अगर आप लोग चाहें जो नान है वो आप हाथ से भी स्प्रेड कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए बेलन से बनाई है। सो फिर सबसे पहले हम नान के ऊपर लगा लेंगे थोड़ी सी कलौंजी, और इसके साथ साथ हम लगा लेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। एंड यहाँ पर जो हमने बटर लिया है
है आपको एक स्पून की हेल्प से थोड़ा सा नान के ऊपर ऐड कर देना है और हाथों की मदद से इसको फैला लेना है। इससे जो नान है वो सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। अब इसको हम थोड़ा सा बेल लेंगे और जो नान बनाई है हमने, नान के हम कॉर्नर्स हाथों की हेल्प से थोड़े से स्प्रेड कर देंगे। बस देखिए हमारी नान बनकर तैयार हो चुकी है। अच्छी तरीके से हमने यहाँ पर बेल लिया। अब इस पे हम पानी लगा देंगे। इधर जो पानी है आप लोगों को अच्छी तरीके से लगाना है और इसको तवे पे डाल देना है। यहाँ पर जो नान की कॉर्नर्स है आपको इसको अच्छी तरीके से प्रेस कर देना है जिससे कि अच्छे से चिपक जाए। और आप लोग देख सकते हैं नान थोड़ी थोड़ी सी ऊपर से फूलनी स्टार्ट हो चुकी है। याद रखिएगा नान जब भी आप लोग तवे पे डालें तो ये एकदम हाई फ्लेम पे होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे रखेंगे तो ये अच्छी तरीके से पक नहीं पाएगी। अब इधर नान अच्छे से पक चुकी है तो अब इसको हम चिमटे की हेल्प से सेक लेंगे। और अगर आप लोग चाहें तो आप डायरेक्ट इसको तवे से भी सेक सकते हैं तंदूर की तरीके से, पर इस तरीके से अगर आप नान सेकेंगे तो अच्छी तरीके से सिक पाएगी और कच्ची नहीं रहेगी। देखिए कितनी अच्छी तरीके से नान हमारी बनकर तैयार हुई है। अब इस पे हम घी लगा देंगे या बटर लगा लीजिएगा आप। बस फिर हम इसी तरीके से दूसरी नान तवे पे डाल देंगे और तवा जो है वो बिल्कुल हाई फ्लेम पे होना चाहिए। एंड जैसे मैं यहाँ पर इसको कॉर्नर को प्रेस कर रही हूँ इसी तरीके से आप भी कीजिएगा जिससे कि नान सॉफ्ट होए। अगर आप लोग कॉर्नर्स नहीं प्रेस करते हैं नान की तो अच्छे से नान चिपकेगी भी नहीं और वो अच्छे से सिकेगी भी नहीं। तो फिर ध्यान रखिएगा कि कॉर्नर को आप अच्छी तरीके से चिपका दें और अच्छे से इस पे पानी लगाएं। बस जैसे ही आपको लगे कि नान थोड़ी थोड़ी फूलनी स्टार्ट हो गई है तब आप इसको सेकना स्टार्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर आप लोग खुद देख सकते हैं जो हमने यहाँ पर नान बनाई है कितनी ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई है। एंड इधर आपको नान के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और बहुत ही जल्दी जल्दी सेक कर ये तैयार हो जाएंगे। तो आप सभी लोग भी एक बार नान की रेसिपी को तो जरूर बना के देखिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये मैं आपको पक्का कह सकती हूँ। बस फिर यहाँ पर हमारी देखिए नान सिक कर तैयार हो चुकी है। अब हम इस पे वापस तवे पे डाल देंगे और इस पे हम लगा देंगे बटर। बस फिर ऐसी हम सारी नान को सेक कर तैयार कर लेंगे। और एक बार आपको मैं और बेल के दिखा देती हूँ एक नान। सबसे पहले पहले इस पे बटर ही लगा देते हैं और फिर हम दूसरी नान को बेलना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लगा लेंगे कलौंजी और थोड़ा सा हरा धनिया। एंड जैसे हमने पहले बेला था उसी तरीके से हम इसको बेल लेंगे। अगर आप लोग चाहें तो आप इसको ओवल साइज में भी बेल सकते हैं, आप इसको राउंड साइज में भी बेल सकते हैं। बस फिर अब इस पे हम पानी लगा देंगे और अच्छे से इस पे तवे पे डाल देंगे। अब बारी आ जाती है ये नान और मखनी दाल को सर्व करने की। तो अब सबसे पहले हम इसको सर्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी तरीके से हमारी दाल मखनी बनकर तैयार हो चुकी है और कितनी ज्यादा सॉफ्ट नान हमारी बनकर तैयार हुई है। आप लोग भी ये रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करके देखिएगा और आप लोगों को ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगी खाने में। एंड अगर आप लोगों को मेरी बनाई हुई दाल मखनी और नान की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन दोस्तों को जिनको भी दाल मखनी और नान बहुत पसंद है। एंड कॉमेंट सेक्शन में जरूर अपना फेवरेट पार्ट कॉमेंट कीजिएगा एंड बताइएगा मेरे को कि आपको नेक्स्ट रेसिपी कौन सी चाहिए। और इसी के साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना जिससे कि मेरी सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों पर सबसे पहले आए। एंड ऐसी मेरी और रेसिपीज देखने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ पर जाके भी चेक कर सकते हैं। सो फिर आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।